गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ आवर 10th चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स. यू नो आर्टिकल्स, विच आर द 3 आर्टिकल्स, ए एंड द. ओके, सी लेट्स स्टार्ट. लेट अस रिवाइज फर्स्ट पेज नंबर 51 फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक. देर आर 26 लेटर इन अ इन द अल्फाबेट. आप लोग जानते हैं कि अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं. देर आर 5 वोवेल्स दैट आर ए ई आई ओ यू. 5 वोवेल्स होते हैं एंड रिमेनिंग आर द कॉन्सोनेंट्स. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल्स. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इन दैट ए एंड एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड द इज द डेफिनाइट आर्टिकल्स. ओके, अब हम देखेंगे कि ए एन और द को कहाँ यूज किया जाता है. सी, वी यूज ए बिफोर अ नाउन व्हेन इट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब कोई वर्ड जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स में उनसे स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम ए का यूज करते हैं. See the examples: a ball, a nest, a book, a pen. All these words are from consonants. The first word is consonant, so there will be a. Okay. The same way. See, we use an before a noun when it begins with a vowel sound. That means जब एक noun a e i o u के sound से start होता है तो उसके आगे हम a n n लगाते हैं. An owl, an ant, an umbrella, an orange. Okay, now the use of t h e the. The is used for many things, like when there are unique nouns, titles, famous buildings, things already spoken about, rivers, oceans, seas, mountains. जब हम किसी यूनिक चीज जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, यूनिक है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, या कोई टाइटल जैसे किसी बुक का नाम, या कोई ऐसा कोई फेमस बुक हो, या फेमस कोई बिल्डिंग हो, या जैसे माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, कोई भी ऐसी जो चीज़ फेमस है, जो यूनिक है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे. सी द एग्जांपल्स. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही है. इट इज अ फेमस यूनिक नाउन. ओके, अ टाइटल, व्हाट वी से, इट इज अ बिल्डिंग जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है. तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे. द पैसिफिक ओशन. द पैसिफिक ओशन भी जो है ये एक ओशन का नाम है, तो इसलिए हम इसके आगे ध का यूज करेंगे. तो इसी तरह जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़ी सी बिल्डिंग्स होती है, कोई फेमस जगह होती है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके आगे हम ध का यूज करेंगे. ओके, सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड इट इज नॉट एट ऑल लेंथी. आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. That is all. You don't have to write any definitions in notebook. You just have to fill this exercise 1, 2, and 3. These 3 exercises in your textbook only. Okay. I hope you understood this chapter. If you have any doubts, you can ask me. Okay. Thank you.